फर्स्ट प्रिंसिपल से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है। कॉस इनवर्स है इधर ले आए तो कॉस y इज इक्वल टू x आ गया। हम एक फंक्शन मान लेते हैं, माना एफ वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस वाई को y का एक फंक्शन हमने मान लिया। यदि हम एफ वाई के प्लेस पर वाई प्लस एच रखें तो यहाँ पर कॉस वाई प्लस एच इधर भी आ जाएगा, इधर वाई तो यहाँ वाई, यहाँ y प्लस एच तो इधर भी y प्लस एच। अब यदि हम डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ वाई प्लस एच और माइनस एफ वाई। ये फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला जो है डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए है। इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ वाई प्लस एच का वैल्यू है कॉस वाई प्लस एच और माइनस एफ वाई का वैल्यू है कॉस वाई और अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हम फार्मूला जानते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका फार्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कहीं कहीं बुक में ये फार्मूला होता है डी माइनस सी होता है, तो इधर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस है तो ये सी माइनस डी ही रहेगा। इसको हम मान लेते हैं सी और इसको हम मान लेते हैं डी। कॉस सी का वैल्यू हो गया और माइनस कॉस डी का वैल्यू हो गया, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस टू साइन सी प्लस डी, सी के प्लेस पर वाई प्लस एच और प्लस डी, डी के प्लेस पर वाई बाई टू और इंटू साइन सी माइनस डी, सी के प्लेस पर है वाई प्लस एच और माइनस डी के प्लेस पर है वाई बाई टू और कंप्लीट अपॉन में है एच। यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू साइन वाई और वाई आ जाएगा टू वाई और अपॉन टू लिख लेंगे और प्लस एच बाई टू इंटू साइन वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा एच बाई टू और कंप्लीट अपान में है h। क्या हम इसका इंटू वन बाई टू से और इसका इंटू वन बाई टू से कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वन बाई टू कैंसिल करेंगे तो आंसर वही आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा और ये किसका वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू है, डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो टू से टू कैंसिल माइनस साइन, ये टू से टू कैंसिल y प्लस एच बाई टू और इंटू साइन एच बाई टू और इधर अपान में है h बाई टू, अपान में है h बाई टू। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन y प्लस एच बाई टू और लिमिट इधर भी लगा दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h बाई टू और अपॉन कंप्लीट अपॉन h बाई टू। हम फार्मूला जानते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन, h जहां पर है वहां जीरो पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस साइन और ये मिल जाएगा y, h बाई टू जीरो हो जाएगा और इंटू इसका कंप्लीट का वैल्यू मिल जाता है हमको वन, तो हमको मिल गया डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस साइन वाई। बट हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, इसको चेंज कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन अपॉन साइन वाई भी नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन वाई को लिख सकते हैं रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वेयर वाई लिख सकते हैं और माइनस वन अपान रूट ओवर वन माइनस कॉस वाई का वैल्यू क्या है, कॉस वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू आ गया और यही हमको फाइंड करना था। फाइनली हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का यदि हम डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको मिल जाएगा माइनस वन अपान रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा।